हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क से ज्ञ तक हिंदी का व्यंजन सीखेंगे, जो हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम सबसे पहले सीखते हैं। हिंदी में कोई भी शब्द और वाक्य इसी के मदद से बनता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। क से क्या होता है? तो क से कमल, कटोरी, कबूतर, कलम। ख से खरगोश, खग, खजूर, खरबूजा। ग से गमला, गधा, गमछा और गदा। ख से घड़ी, घड़ा, घर। च से चम्मच, चंपल, चरखा, चक्र। छ से क्या होता है? तो छ से छतरी, छड़ी, छत्ता, छत। ज से जहाज, जलेबी, जग और जल होता है। झ से झरना, जबरा, झरोखा। त से टमाटर, टब, टमटम, टट्टू। टट्टू यानी जो छोटा घोड़ा है उसे हम टट्टू हिंदी में कहते हैं। थ से थठेरा, थप्पा, धग, ठहाका। ड से डलियां, डमरू, डफली, डबल रोटी। ढ से ढक्कन, ढलान, ढलना। और अण से जैसे श्री कृष्ण र में उपयोग होता है वो वाला। वाण में उपयोग होता है, मणि में उपयोग होता है। ड से जैसे पेड़ में ड का उपयोग होता है, पेड़। सड़क में, खिड़की में, पतझड़ में। ध से जैसे पढ़ने में, बड़ाई में, बाढ़ में और गद में। त से तरबूज, तबला, तकिया, तराजू। थ से थर्मस, थन, थरिया, थर्मोमीटर। ड से डबाट, दवाई, दरवाजा, दस्ताना। ध से धनुष, धरती, धब्बा। और न से क्या होता है? तो न से नल, नहर, नग। अंगूठी के जो बीच में हिस्सा होता है उसे हम नग कहते हैं। प से पतंग, जो हम लोग उड़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पतंग कहते हैं। प से पतंग, पपीता, पलंग, पहाड़। फ से फल, फसल, फर्श, फकीर। ब से बस, बत्तख, बर्तन, बच्चा। भ से भवन, भजन, भगत। और म से तो मछली, मटर, मगर। य से यज्ञ, यशोदा, यमुना और यति। र से रट, रजाई, रबड़, रस्सी। ल से लड्डू, लट्टू, लड़की, लहसुन। ब से बक, बन, बर्दी, बट। स से सलगम, सलगम यानी जो बीट रूट होता है उसे हिंदी में सलगम कहते हैं। शतरंज, सहनाई, शरीफा। स से षटकोण, बिंदु, शतान, पटपटी। स से समोसा, सब्जी, सर्कस, सफेरा। ह से हल्दी, हलवा, हल और हथेली। श्र से श्रणीय, क्षमा, क्षति, जैसे क्षितिज में। त्रिपुराणी, त्रिकोण, त्रोण, त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, जो सबसे लास्ट है उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञ